आज मैं एक नई डिश बनाने जा रही हूँ और शायद आप लोगों को पता भी होगा, लेकिन मैं अपने तरीके से बनाऊंगी। आप लोग देखिए, मैंने लिया है आधा किलो दही मंगाया मैंने, आधा लीटर। और अभी अपने हिसाब से आप लोगों को बनाना हो तो मात्रा ज्यादा कम कर सकते हो आप। और इसको रायता बनाने के लिए मैंने हरी धनिया ले ली है, ये दो मिर्च ले ली है मैंने, काला नमक भी मार्केट से मंगाया है। देखिए मैंने गाजर कस ली है, ये मैंने खीरा कसा है। और अभी आके मैं इसको छोटा छोटा इसी में डायरेक्टली काटती हूँ, ऐसे ही। बर्तन क्यों जूट करना दूसरा एक्स्ट्रा। अभी इसी में डायरेक्टली काट लेती हूँ, आप लोग देखिए। और बहुत ही टेस्टी बनता है, इसमें काला नमक आप लोग प्रयोग करिएगा। मैं काला नमक यूज करती हूँ क्योंकि उसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। अभी मैंने इसमें एकदम पतली पतली सी मिर्च डाल दी है काट के, और इसको भी मैंने डायरेक्टली काटा। बर्तन नहीं जूठा करूंगी, हमारे बच्चे हंस रहे हैं हम पे, लेकिन मैं ऐसी हूँ, अभी क्या करूँ। इसमें गाजर डाल देती हूँ, गाजर की मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा है लेकिन चलेगी क्योंकि टेस्ट इसका अच्छा बनाना है। और ये रहा खीरा, एक में ही मिक्स कर देती हूँ मैं। अभी इसके बाद इसमें नमक डालूंगी मैं, इसको मिला के फिर आपको दिखाती हूँ कंप्लीट डिश। देखिए फ्रेंड्स, हम इसको मिक्स कर रहे हैं दही में। अभी एक भगोना बन के तैयार है, हमारे घर पे खाने वाले ज्यादा हैं। आप लोग देख के डरिएगा मत कि मैं बहुत ज्यादा बना रही हूँ, लेकिन और हमारे इधर इसलिए मैं ज्यादा बना रही हूँ, हमारे इधर फैमिली ज्यादा है तो खाएंगे सब लोग, तो कम नहीं पड़ना चाहिए, किसी को ऐसा ना हो कि ना मिले। बहुत अच्छी डिश बन रही है, आप लोग भी ट्राई करिएगा जरूर। हाँ, डिश जो है रायता का बन के तैयार है, बहुत अच्छा टेस्ट है इसका। आप लोग अभी तो यहाँ पे नहीं होने, मैं ट्राई करवाती आप लोग को, टेस्ट करवाती। और अभी इसमें नमक नहीं मिला है क्योंकि अभी मार्केट से आया नहीं, काला नमक मैं इसमें मिलाऊंगी। और अभी कोई खाने वाला नहीं, बना के रख दिया मैंने, अभी एक घंटे बाद खाना है। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर देखना, लाइक करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच, आप सभी को लव यू सो मच।